साइन टू एक्स का इंटीग्रेशन करना है तो पहले बेसिक से हम लोग को पता है साइन एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में माइनस कॉस एक्स होता है तो एक्स में जो भी कॉफिशियट रहेगा जो भी मल्टीप्लाई रहेगा जैसे साइन अगर थ्री एक्स प्लस टू का इंटीग्रेशन निकालना रहेगा एक्स के रिस्पेक्ट में तो ये माइनस कॉस थ्री एक्स प्लस टू आएगा लेकिन एक्स का कोफिशेंट थ्री है तो थ्री से डिवाइड कर देंगे जस्ट साइन ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन निकालना रहेगा तो साइन का इंटीग्रेशन हम लोग को पता है कॉस और ए एक्स प्लस बी रखेंगे ए एक्स प्लस बी और एक्स का कोफिशेंट ए से डिवाइड कर देंगे तो ए प्लस सी होगा तो सिमिलरली यहाँ पे साइन टू का इंटीग्रेशन निकालना है तो साइन टू का इंटीग्रेशन कॉस टू एक्स होगा और एक्स में टू ये माइनस कॉस टू एक्स होगा एक्स में टू मल्टीप्लाई है तो टू डिवाइड कर लेंगे प्लस सी साइन टू एक्स का इंटीग्रेशन निकल गया अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कॉस थ्री एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है तीसरे भी हम लोग देखेंगे कॉस ए एक्स प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कॉस ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो सबसे पहले देखो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन जो निकलेगा एक्स के रिस्पेक्ट में साइन एक्स क्योंकि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होगा तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस की रखेंगे तो कॉस ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन निकालना है तो साइन ए एक्स प्लस बी होगा प्लस सी लेकिन एक्स में जो ए मल्टीप्लाई है तो ए से डिवाइड भी कर लेंगे तो वन बाई ए साइन ए एक्स प्लस बी तो यहाँ पे क्वेश्चन है कॉस थ्री एक्स का इंटीग्रेशन निकालना एक्स के रिस्पेक्ट में तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन थ्री एक्स और एक्स में थ्री मल्टीप्लाई है थ्री से डिवाइड कर लेंगे प्लस सी वात क्वेश्चन नंबर थ्री में ई टू दावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू दावर एक्स ही होगा तो यहाँ पे e टू दी पावर ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन निकालना है तो e टू दी पावर ए एक्स प्लस बी ही रहेगा लेकिन x में a मल्टीप्लाई है तो a डिवाइड हो जाएगा प्लस c तो सिमिलरली यहाँ पर e टू पावर टू एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है e टू पावर टू एक्स है तो e टू दी पावर टू एक्स ही आएगा लेकिन x में टू मल्टीप्लाई है तो टू से डिवाइड हो जाएगा प्लस c इस तरह से इसका इंटीग्रेशन होगा अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में x पे पावर n का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में जानते हैं एक्स टू पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन प्लस सी अब ये लीनियर फॉर्मेट में जितना भी रहेगा डेट इज इसके जगह पर अगर मान लो एक्स प्लस बी पे पावर एन डी एक्स रहेगा तो इसका इंटीगेशन एक्स प्लस बी पे पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन होगा और एक्स में ए मल्टीप्लाई है तो इसे डिवाइड हो गया तो ए इंटू एन प्लस वन प्लस सी इस तरह से इसका इंटीग्रेशन निकलेगा तो ये जब तक लीनियर है तब तक हम डायरेक्ट इस तरह से करेंगे तो एक्स प्लस बी पे पावर टू एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है तो इसमें भी एक्स पावर वन है तो लीनियर है ये तो यहाँ पे डायरेक्ट इस फॉर्मेट में पुट कर देंगे ए एक्स प्लस बी पे पावर थ्री बाई थ्री और एक्स का ए मल्टीप्लाई है तो ए से डिवाइड करके एक प्लस सी तो इसका इंटीग्रेशन आ गया अब आते क्वेश्चन नंबर फाइव में इंटीग्रेशन निकालना है साइन टू एक्स माइनस फोर ई टू द पावर थ्री एक्स का तो जस्ट हम लोग को पता है साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टू एक्स होगा और एक्स में टू मल्टीप्लाई है तो टू से डिवाइड कर लेंगे माइनस फोर ई टू दी पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन निकालेंगे तो ई टू दी पावर थ्री एक्स का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर थ्री एक्स होगा और एक्स में थ्री से मल्टीप्लाई है तो थ्री डिवाइड कर लेंगे तो प्लस से इसे हम सिंप्लीफाई भी करेंगे तो वन बाई सिक्स माइनस वन बाई सिक्स एल्स से लेने के बाद अब यहाँ पर से ये आएगा थ्री कॉस टू एक्स माइनस एट ए टू दावर थ्री एक्स प्लस सी इतना छोड़ सकते हैं आते क्वेश्चन नंबर सिक्स में इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या फोर इंटू ई टू दावर थ्री एक्स प्लस वन डी एक्स इंटीग्रेशन निकालना है तो दो अलग अलग फंक्शन का शाम के फॉर्मेट में है तो दो टर्म का हम अलग अलग इंटीग्रेशन निकालेंगे तो फोर इंटू थ्री ई टू दावर थ्री एक्स का इंटीग्रेशन फिर वन का इंटीग्रेशन करेंगे तो फोर बाहर होगा ई टू दि पावर थ्री एक्स का इंटीग्रेशन ई टू थ्री एक्स एक्स में थ्री मल्टीप्लाई है तो थ्री से डिवाइड कर लेंगे प्लस वन का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी इस तरह से होगा यहाँ पे इसमें दो टर्म मल्टीप्लाई में है एक्स स्क्वायर इंटू वन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स तो सबसे पहले इसे सिंप्लीफाई करेंगे एक्स स्क्वायर इंटू वन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वन बाई एक्स ए वन बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स तो कैंसिल हो जा रहा है तो एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स फिर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यू बाई थ्री और माइनस वन का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का इंटीग्रेशन निकालना है तो इसे सेपरेट इंटीग्रेट कर लेंगे ए एक्स स्क्वायर का प्लस बी एक्स की इंटीग्रेशन प्लस सी ए की इंटीग्रेशन तो ए बाहर होगा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यू बाई थ्री आएगा प्लस बी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी इंटू एक्स प्लस अलग कांस्टेंट के रख लेते हैं सी के जगह पर तो एवरी टर्म में इंटीग्रेशन जैसे यहाँ पर सी वन रखा यहाँ पर सी टू रखेंगे यहाँ पर हमने ई सी का इंटीग्रेशन के लिए सी थ्री रखेंगे तो यहाँ पे हम लिख सकते थे ऐसा सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री फिर सारे मिल के एक अलग कांस्टेंट बन जाएगा बी बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री के जगह पर एक अलग कांस्टेंट के लिखेंगे तो एक्स क्यू बाई थ्री प्लस बी बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस के तो एवरी के साथ हमारा सी वन सी टू सी थ्री लिखने की ज़रूरत नहीं है हम इंटीग्रेट कर लेंगे फिर इसके बाद एक लास्ट में के कांस्टेंट डाल देंगे अब आते क्वेश्चन नंबर नाइन में टू एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस ई टू दावर एक्स डी एक्स इसके हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे टू एक्स क्यू बाई थ्री प्लस ई टू टी आर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू आर एक्स प्लस सी एक्स क्यू एक्स स्क्वायर है उसका इंटीग्रेशन एक्स क्यू बाई थ्री होगा टेन नंबर क्वेश्चन में सबसे पहले हम कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर के फॉर्मेट में है तो पहले स्क्वायरिंग कर लेंगे यहाँ पर रूट अंडर सिंप्लीफाई करेंगे तो रूट अंडर ऑफ एक्स माइनस वन रूट अंडर ऑफ एक्स होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी स्क्वायर वन रूट एक्स का स्क्वायर तो वन बाई एक्स हो जाएगा माइनस टू ए भी तो टू ए के जगह पर रूट अंडर एक्स बी के जगह पर वन बाई रूटर ऑफ एक्स कैंसिल हो जाएगा डी एक्स तो एक्स प्लस वन बाय एक्स माइनस टू डी एक्स एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय टू और वन बाय एक्स का इंटीग्रेशन लॉग मोडलस ऑफ एक्स माइनस टू का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी यहाँ पर हमें लिखना चाहिए था एक्स इंटीगेशन डी एक्स प्लस वन बाई एक्स इंटीगेशन माइनस टू का इंटीग्रेशन इस तरह से सेपरेटली इंटीग्रेट कर लेंगे यहाँ पे इस तरह इसमें सबसे पहले सेपरेट कर लेंगे फिर टर्म को एक्स क्यू बाई एक्स स्क्वायर लिखते हैं फाइव एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस फोर बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स तो एक्स डी एक्स अलग अलग, अलग इंटीग्रेशन कर लेंगे फाइव एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैंसिल तो फाइव डी एक्स माइनस फोर एक्स पे पावर माइनस टू डी एक्स तो एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू फाइव का इंटीग्रेशन फाइव एक्स माइनस फोर एक्स पे पावर माइनस टू है तो एन के जगह माइनस टू है तो ये लिख सकते हैं माइनस टू प्लस वन बाई माइनस टू प्लस वन प्लस सी डेट इज एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस फाइव एक्स माइनस फोर एक्स पे पावर माइनस वन बाई माइनस वन प्लस सी एक्स स्क्वायर बाई टू फाइव एक्स माइनस फोर प्लस फोर बाय एक्स प्लस सी ये इंटीग्रेशन आएगा इसमें हम लोग सेपरेट कर लेंगे एक्स क्यू बाय रूट अंडर ऑफ एक्स प्लस थ्री एक्स बाय रूट अंडर ऑफ एक्स प्लस फोर बाय रूट अंडर ऑफ एक्स डी एक्स एक्स क्यू इंटू एक्स पावर माइनस वन बाय टू प्लस थ्री एक्स इंटू एक्स पावर माइनस वन बाई टू प्लस फोर एक्स पे तो पावर एक माइनस वन बाई टू डी एक्स तो एक्स क्यू और पावर ए थ्री और माइनस वन बाई टू होगा सब टाइट हो जाएगा थे फाइव बाई टू डी एक्स अलग अलग इंटीग्रेशन निकालेंगे थ्री और एक्स पे पावर वन और माइनस वन बाई टू प्लस वन बाई टू डी एक्स प्लस फोर और एक्स पे पावर माइनस वन बाई टू डी एक्स तो यहाँ पर इंटिकेट करने के लिए प्लस वन करते हैं पावर में तो एक्स फाइव बाई टू प्लस वन अपॉन फाइव बाई टू प्लस वन डी ए प्लस थ्री एक्स पर वन बाई टू तो थ्री बाई टू बाई थ्री बाई टू फोर एक्स पर माइनस वन बाई टू प्लस वन कर लेंगे तो प्लस वन बाई टू प्लस सी तो सेवन तो टू बाई सेवन एक्स पे पावर सेवन बाई टू प्लस थ्री थ्री कैंसिल हो जाएगा ये तो टू और एक्स पे पावर थ्री बाई टू प्लस एट एक्स पे पावर वन बाई टू प्लस सी आंसर आ जाएगा अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन में इस क्वेश्चन में डायरेक्ट हम लोग सेपरेट नहीं कर पाएंगे पहले ऊपर में फैक्टराइज कर लेंगे तो एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन बाई एक्स माइनस वन डी एक्स अब इसे फैक्टराइज क्या करेंगे पहले यहाँ एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर कॉमन एक लेते हैं तो इसमें एक्स बच जाएगा और ए माइनस इसमें कुछ नहीं तो वन बच जाएगा तो एक्स एक माइनस वन बचा, फिर इसमें से दोनों को एक ब्रैकेट में लिखेंगे तो एक्स एक माइनस वन है इसके आगे कुछ नहीं मल्टीप्लाई है तो वन रहेगा बाई एक्स माइनस वन डी एक्स अब ये दोनों टर्म में से एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन कॉमन ले लेंगे एक्स माइनस वन कॉमन ले लिया एक्स एक्वायर प्लस वन बाई एक्स माइनस वन डी एक्स एक्स माइनस एक्स माइनस वन कैंसिल तो एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यू बाई थ्री प्लस वन का इंटीग्रेशन एक्स और कोई कॉन्स्टेंट डालेंगे सी इस क्वेश्चन में वन माइनस एक्स रूट अंडर ऑफ एक्स डी एक्स है तो वन का इंटीग्रेशन रूट अंडर ऑफ एक्स होगा और एक्स रूट अंडर ऑफ एक्स मल्टीप्लाई किया हमने वन रूट एंड ऑफ एक्स को अभी इंटीग्रेशन निकाला नहीं वन इंटू रूट एंड्रॉफ एक्स रूट एंड ऑफ एक्स होगा और एक्स इंटू रूट एंड्रॉफ एक्स एक्स इंटू रूट एंड्रा ऑफ एक्स तो एक्स पे पावर वन बाई टू इंटीग्रेशन सेपरेटली कर लेंगे माइनस एक्स पे पावर वन और वन बाय टू तो थ्री बाई टू डी एक्स तो एक्स पे पावर यहाँ पर सम कर लेंगे वन बाई टू में से वन को तो थ्री बाय टू अपॉन थ्री बाई टू माइनस एक्स पे पावर फाइव बाई टू अपॉन फाइव बाई टू प्लस सी इसे लिखेंगे टू बाई थ्री एक्स पे पावर थ्री बाई टू माइनस टू बाई फाइव एक्स पे पावर फाइव बाई टू प्लस सी अब यहाँ पर हम आंसर छोड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन इसके आगे और सिंपलीफाई करने की कोशिश करेंगे तो एक्स पे पावर थ्री बाई टू है और यहाँ पर एक्स पे पावर फाइव बाई टू है तो आज पॉसिबल कॉमन लेने की कोशिश करेंगे तो टू एक्स पे पावर थ्री बाई टू इसमें भी रखेंगे जैसे फाइव बाई टू एक्स पे पावर फाइव बाई टू को एक्स पे पावर थ्री बाई टू प्लस वन एक्स पे पावर थ्री बाई टू इंटू एक्स लिख सकते हैं तो इसमें एक्स पे पावर यहाँ पर लिखेंगे टू बाई थ्री टू बाई थ्री एक्स पे पावर थ्री बाई टू माइनस टू बाई फाइव एक्स पे पावर फाइव बाई टू को थ्री बाय टू इंटू एक्स लिखेंगे प्लस सी तो एक्स पार थ्री बाय टू एक्स पार थ्री बाय टू कॉमन आ जाएगा अ टू और टू कॉमन आ गया तो बचा कितना वन बाय थ्री सिर्फ ए टन बच गया माइनस वन बाय फाइव इंटू एक्स प्लस सी हम लोग इसके बाद लिखेंगे टू एक्स पावर थ्री बाय टू इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो फिफ्टीन और फाइव माइनस थ्री एक्स प्लस सी तो टू बाई फिफ्टीन एक्स पे पावर थ्री बाई टू फाइव माइनस थ्री एक्स प्लस सी ये आएगा हमारा इंटीग्रेशन इस क्वेश्चन में रूट अंडर ऑफ एक्स इंटू थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री डी एक्स है तो थ्री एक्स पे पावर वन बाई टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स पे पावर वन बाई टू इंटू एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स पावर वन बाय टू और ये डी एक्स होगा तो थ्री बाहर हो गया एक्स पे पावर वन बाय टू प्लस टू तो इस हम करेंगे तो फाइव बाय टू होगा डी एक्स अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेते हैं एवरी टर्म को तो टू एक्स पे पावर वन बाय टू प्लस वन थ्री बाय टू डी एक्स प्लस थ्री एक्स पे पावर वन बाय टू डी एक्स तो थ्री अब इंटीग्रेशन करते समय पावर में वन ऐड कर देंगे तो एक्स पे पावर फाइव बाई टू प्लस वन सेवन बाई टू और सेवन बाई टू प्लस टू एक्स पावर फाइव बाई टू अपॉन फाइव बाई टू थ्री एक्स पावर थ्री बाई टू अपॉन थ्री बाई टू प्लस सी तो सिक्स बाई सेवन एक्स पावर सेवन बाई टू प्लस फोर बाय फाइव एक्स पावर फाइव बाई टू और सिक्स थ्री थ्री कैंसिल हो जाएगा तो टू और एक्स पावर थ्री बाई टू प्लस सी तो यहाँ पे हम लोग यहाँ तक छोड़ सकते हैं लेकिन हम लोग मोस्ट कॉमन लेने की कोशिश करेंगे तो एक्स पावर थ्री बाई टू थ्री बाई टू थ्री बाई टू टोटल में है और टू 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 कॉमन लेंगे तो टू इंटू एक्स पे पावर थ्री बाई टू बाहर आएगा तो यहाँ पे बच जाएगा टू बाहर निकाले तो थ्री बाई सेवन और एक्स पे पावर थ्री बाई टू सेवन बाई टू एक्स पावर सेवन बाई टू में से थ्री बाई टू और प्लस टू ऐसा लिख सकते हैं डैट इज एक्स पे पावर थ्री बाई टू इंटू एक्स स्क्वायर तो एक्स पे पावर थ्री बाई टू बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बच जाएगा प्लस टू बाहर निकाला टू बाई फाइव और एक्स पे पावर फाइव बाई टू एक्स पावर फाइव बाई टू में से फाइव बाई टू तो थ्री बाई टू और प्लस टू लिख सकते हैं तो सॉरी प्लस वन लिखेंगे तो थ्री बाई टू इंटू एक्स तो थ्री बाई टू बाहर निकालेंगे तो x बचेगा यहाँ पर थ्री बाई टू बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर सिर्फ वन प्लस सी अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो टू इंटू एक्स पे पावर थ्री बाई टू और एलसीएम लेंगे तो 35 थर्टी फाइव तो फिफ्टीन एक्स स्क्वायर प्लस सेवन टू जब फोर्टीन एक्स और प्लस थर्टी फाइव प्लस सी तो टू बाई थर्टी फाइव एक्स पे पावर थ्री बाई टू फिफ्टीन एक्स स्क्वायर प्लस फोर्टीन एक्स प्लस थर्टी फाइव प्लस सी ये हमारा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन में इंटीग्रेशन करेंगे तो टू एक्स माइनस थ्री कॉस एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स डी एक्स तो टू एक्स का इंटीग्रेशन पहले कर लेंगे माइनस थ्री कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे फिर प्लस ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो टू एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस थ्री कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स हो गया और ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू पावर एक्स ही रहा प्लस सी तो टू टू कैंसल तो फाइनल आंसर माइनस थ्री साइन एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स प्लस सी होगा सेवनटीन क्वेश्चन नंबर में बोला जा रहा है टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री साइन एक्स प्लस फाइव रूट अंडर एक्स मतलब एक्स पे पावर वन बाई टू को इंटीग्रेशन करना है तो अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेंगे एवरी टर्म को तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में फाइव एक्स पे पावर वन बाई टू का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में टू यहाँ पर एक्स क्यू बाई थ्री लिखेंगे माइनस थ्री साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स प्लस फाइव एक्स पे पावर वन बाय टू प्लस वन थ्री बाय टू अपॉन थ्री बाय टू प्लस सी तो टू बाय थ्री एक्स क्यू माइनस माइनस प्लस थ्री कॉस एक्स होगा और यहां पर टेन बाय थ्री एक्स पे पावर थ्री बाय टू प्लस सी आंसर ऐसा आएगा इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस टेन एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है तो सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे सेक एक्स इंटू सेक एक्स सेक स्क्वायर एक्स उसका इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में फिर सेक एक्स इंटू टेन एक्स उसका इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में डायरेक्ट फार्मूला हो गया सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स हो गया फिर सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स हो जाएगा डी एक्स लिखने की जरूरत नहीं है पे टेन एक्स सेक एक्स प्लस सी तो फाइनल आंसर टेन एक्स प्लस एक एक्स प्लस सी क्वेश्चन नंबर नाइनटीन में बोला जा रहा है कॉशेक एक स्क्वायर एक्स बाई से स्क्वायर एक्स बाई कॉसक एक स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन मालूम करना है तो से स्क्वायर एक्स के जगह पर वन बाई कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं वाई cos कौ, एक् स्क्वायर एक्स के जगह पर वन बाई साइन स्क्वायर तो साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स हो गया तो इसे सिंपलीफाई करने के बाद ये टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स होगा तो टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू ले सकते हैं से स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स तो से स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन एक्स माइनस वन का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी टू माइनस थ्री साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है एक्स के रिस्पेक्ट में तो टू बाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस थ्री साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स तो टू वन बाई कॉस स्क्वायर को शे स्क्वायर एक्स डी एक्स लिखेंगे माइनस थ्री साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स को कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स लिखेंगे डी एक्स तो टू शे स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो पता है टेन एक्स होगा माइनस थ्री एक साइन बाई कॉस टेन एक्स हो गया और बाई कॉस एक्स हो गया तो कॉस एक्स को ही शे एक्स लिख सकते हैं डीएक्स तो टू टेन एक्स माइनस थ्री टेन एक्स इंटू सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स हो जाएगा प्लस सी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन में एंटी डेरिवेटिव मतलब इसका इंटीग्रेशन ही निकालना है इंटीग्रेशन है रूट अंडर ऑफ एक्स प्लस वन बाय रूट अंडर ऑफ एक्स डी एक्स डैट इज एक्स टू दावर वन बाई टू डी एक्स प्लस एक्स टू दावर माइनस वन बाई टू डी एक्स एक्स पावर वन बाई टू तो थ्री बाई टू और टू बाय थ्री होगा प्लस एक्स पावर माइनस वन बाई टू में वन ऐड कर देंगे तो प्लस वन बाई टू वन बाई टू तो टू होगा प्लस सी तो इसका ऑप्शन टू बाई थ्री एक्सपावर थ्री बाई टू प्लस टू एक्सपावर वन बाई टू प्लस सी हो रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में अब देखा जा रहा है क्या यहाँ पर बोला जा रहा है एफ एक्स की डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में फोर एक्स क्यू माइनस थ्री बाई एक्स टू दावर फोर है तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ एक्स फोर एक्स क्यू माइनस थ्री बाई एक्स टू दावर फोर डी एक्स इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन डी एफ एक्स है तो डी एफ एक्स का इंटीग्रेशन एफ एक्स हो जाएगा और फोर एक्स पावर फोर बाई फोर होगा माइनस थ्री एक्स पावर माइनस फोर का इंटीग्रेशन माइनस फोर में वन ऐड कर देंगे तो माइनस थ्री बाई माइनस थ्री प्लस सी तो फोर फोर कैंसिल एक्स टू दीवार फोर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा थ्री थ्री भी कैंसिल प्लस वन बाई एक्स क्यू प्लस सी एफ एक्स इक्वल टू लेकिन हमें सी की वैल्यू निकालने के लिए एफ़ टू इक्वल टू जीरो गिवन है डैट इज एक्स के जग पर टू पुट कर देते हैं तो एफ़ टू इक्वल टू 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 दीवार फोर प्लस वन बाई टू टू दीवार एट प्लस ए टू टू दीवार थ्री टोटल एट प्लस सी फोर प्लस एट प्लस सी सिक्सटीन प्लस वन बाई एट प्लस सी एफ़ टू इक्वल टू जीरो तो सी की वैल्यू मिल गया माइनस सिक्सटीन माइनस वन बाई एट तो यहाँ पे सिंपलीफाई करेंगे तो यहाँ पे एडिशन हो जाएगा माइनस वन ट्वेंटी एट माइनस वन बाई एट माइनस वन ट्वेंटी नाइन बाई एट तो सी की वैल्यू मिल गया तो हमें फंक्शन एफ़ एक्स इक्ल टू लिखेंगे एफ एस इक्वल टू एक्स टू दीवार फोर प्लस वन बाय एक्स क्यू सी की जगह पर माइनस वन ट्वेंटी नाइन बाई एट इस तरह से आ जाएगा तो एक्स फोर प्लस वन बाय एक्स क्यू माइनस वन ट्वेंटी नाइन बाई एट ये ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है